Assalamu alaikum, I hope that all of you are fine and doing great. तो आज मैं आप लोगों को अपना डेली मेकअप बताऊंगी कि मैं अपना डेली मेकअप कैसे करती हूँ चाहे आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो कॉलेज गोइंग हो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना तो हर किसी का दिल चाहता है कि हर कोई थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे तो मैं जो है ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, सा मेकअप यूज़ करती हूँ और ये जो है आपके एक पाउच में भी आ सकते हैं एंड आई कैरी आ पाउच उसमें सारी की जो है ना मेरी सारी चीज़ें होती हैं और इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट और अगर आपको ऐसा ही कॉन्टेंट और भी देखना है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी चीज़ पर आते हैं सबसे पहले जो हमें भी चीज़ है वो है लिपस्टिक लिपस्टिक इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मेकअप लिपस्टिक जो है आपके कलर को भी इन्हांस कर देती है और आपके जो है ना फीचर्स को भी इनहस कर देती है बनता ना ऐसा नहीं लगता कि मतलब सो क्यूट उठ के आया हुआ है वै? लिपस्टिक इज़ द मोस्ट मोस्ट असेंशियल पार्ट तो सबसे पहले जो है आ, मैंने स्टेज लाइन की लिपस्टिक ली है इसका कलर है फुशिया इट्स अ वेरी वेरी नियन न्योन पिंक तो नहीं कह सकते फुशिया पिंक मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉकिंग पिंक है अगर आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो आप ये थोड़ी मैट साइड पर है तो आप जो आ, ये मतलब आप ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंकिश साइड पर है तो डेली बेड पर यह है कि आप हल्का हल्का अपने लिप्स पर टैप कर लें और ये जो है ना ये लिप्स लिप्स लिपस्टिक लगा लें अच्छा सेकंड जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैं कर्ल करती हूँ अपनी आई को तो ये जो है मेरे पास आई लैश कर्लर है आप जिनकी लैशज़ बहुत ज़्यादा श्रेज होती हैं उनका ये चाहिए कि पहले आई लैश कर्ल करें फिर जो है ना अपनी आई लैशेज़ पर मतलब आई लैशज पर मस्कारा लगाएँ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ आर्ट इन का मतलब रियल टेक्निक्स का ब्रश है ब्रश का नंबर है टू हंड्रेड और इसके इतने सॉफ्ट प्रिस्ल्स हैं इतने सॉफ्ट प्रिस्ल्स हैं बहुत ज़्यादा फिर जो है मैं का क्लॉसल मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ लैशेज़ कर्ल करने के बाद तो मे का ये है कि ये जो है परमानेंट मस्करा है ये मैं सिर्फ ओकेजेंस पे यूज़ करती हूँ कि मतलब कोई भी ज़्यादा जो है ना मतलब कोई जिस दिन बहुत ज़्यादा आपने मेकअप स्टे कराना हो इसका वॉर्न भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा घना है तो आपकी लैशेस हो ना काफ़ी ज़्यादा घनी कर देता है और परमानेंट जो मस्कारा होता है ना ये वो वाला मस्कारा है इसका वॉर्न भी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ कि मतलब आपकी लैशेज़ को काफ़ी अच्छे खासा घना कर देगा और कोटिंग आप दो चार करेंगे तो आपकी लैशेस घनी भी हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी इससे नेक्स्ट वी हैव इज़ द लिप लाइनर ब्यूटी का ही लिप लाइनर इसका मैं आपको स्वाच भी करके दिखा देती हूँ पीछे जो आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं उस पर वो जो है वो मैंने आपको अपना सारा ब्यूटी बॉक्स दिखाया है कि मेरे उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं तो वो सारी चीज़ें हैं अच्छा ये जो पिंक कलर है ना पिंक नहीं है ये पी सा कलर है लिप लाइनर का अच्छा अब ये जो है रिमल की पेंसिल है रिमल की आई पेंसिल है ये इतनी अच्छी रेमल की आई पेंसिल है मैं इतना हल्का सा मैं आपको स्वाच करके दिखाऊंगी इतना हल्का सा स्वाच करके दिखाऊंगी और ये बिल्कुल ग्लाइड करती है आपकी आंखों में आंखों के वाटर लाइन के अंदर वैसे भी आपको वो पेंसिल चाहिए होती है जो बिल्कुल आपकी आंखों पे ग्लाइड कर जाए मतलब बिल्कुल भी थोड़ी हार्श नहीं हो तो ये वैसी पेंसिल है कि बिल्कुल आपकी आँखों में ग्लाइड करेगी और बिल्कुल भी चुभन आपकी आँखों पर ना फील नहीं होगी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना हल्का सा बिल्कुल हल्का सा जो है ना वो मैंने लिए है और ये बेज कलर में है अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं तो आप वाइट पेंसिल यूज़ करें अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं तो आप ये न्यूड कलर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद एले गर्ल का जो है ना ये कंसीलर है ये जो है आप डार्क स्पॉट्स करने आ, कंसील करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ और अंडर आईज़ के जो अंडर आई बैग्स होते हैं उनको कंसील करने के लिए इसका भी मैं आपको सॉच करके दिखाती हूँ ये थोड़ा सा डार्क कलर में है इसके ऊपर ये होता है कि आप लाइट कलर का कंसीलर लगा लें ठीक है और डेली वेयर में जो है मैं मोस्टली फाउंडेशन यूज़ नहीं करती वो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ उसके बाद एक और है रिवाज यू की मेरे पास पिंक कलर की लिपस्टिक तो ये जो है ना ये तो मैं मोस्टली लगा ही लेती हूँ ना कि लेकिन मैं एज अ टेंट ये लिपस्टिक जो सारी है ना ये एज अ टेंट यूज़ करती हूँ इसको देखेंगे मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया और कितनी सी रह गई है ये ये सारी लिपस्टिक जो है ना एज अ टेंट यूज़ करती हूँ क्योंकि आजकल जो है ना सर टेंट टाइप ही लिपस्टिक चल है रही बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के लगाने वाला कोई सीन नहीं चल रहा अच्छा एक ही स्पूली है स्पूली की वजह मतलब से मैं आई ब्रोज हल्की सी ब्रश कर लेती हूँ लेकिन मैं आई को फिल नहीं करती जब मेरा कोई मतलब वो होता है कोई भी फंक्शन वगैरह तब मैं आई को फिल करती हूँ ये आई ब्रश है एंगुलर ब्रश है और आईब्रो का प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ आईब्रोज का जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना वो मैं बॉबी ब्राउन का करती हूँ इट्स अ लिटल बिट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो ये जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि हैग नहीं कलर में था आई गेस तो मैं इतना सारा यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन इतना लाइट वेट फील होता है आपके आईब्रोज़ में भी और कलर में भी लाइट है ठीक है रिच महागरी जो है इसका कलर है किसी ने भी लेना हो तो वो इसका स्क्रीन शॉट लेके ले सकता है नेक्स्ट जो है वो अगर आपके लिप्स चैप्ड चैपडूं में सदियों में वैसे भी आपके लिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं तो ये जो है ये हमाले के लिप बाम ली हुई थी और ये मेरे बहुत अच्छे से मेरे बैग में पड़ी हुई है से इस इसकी प्राइस जो है वो बहुत मतलब कम है अच्छा ये ना चैप से ज़्यादा बेहतर है कि ये आपके ना लिप्स को हल्का सा शाइन भी दे देती है और आपके लिप्स जो है ना वो चैपड नहीं रहते हैं नेक्स्ट जो है ये मतलब मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन के अलावा मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ तो फाउंडेशन के अलावा जो है ये मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करती हूँ इन द शेड फेयर ये मेरे पास इतने सारे हैं और मैंने इतने सारे यूज़ किए हैं कि अगर आप डेली फेयर में आप फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हल्का सा ये कंसीलर लगाएं और कंसीलर भी आपने भर भर के नहीं लगाना एक एक डॉट आपने वन साइड एक चीक पर लगाना है और दूसरा डॉट दूसरी चीक पर लगाना है एंड दैट इज़ इट दैट इज़ इट कि आपको सिर्फ इतना सा चाहिए होता है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है इतनी कंसिस्टेंसी अच्छी है कि ये ना मतलब आपकी हर चीज़ को कवर कर देता है और ये ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है अच्छा उसके बाद जो है ये हल्का सा एक छोटा सा बिल्कुल आई शेड ब्रश है वही अगर मेरे पास मतलब हल्की सी लिपस्टिक में डाल के या कोई भी हल्का सा आई हो तो मैं उसको ब्राउन कलर का अपनी आँख में लगा देती हूँ ताकि जो है ना आपने फाउंडेशन लगाई हुई है और ऐसा फील ना हो कि आपने वाइट वाइट कुछ लगाया हुआ है नेक्स्ट जो है मेरे पास एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक है ये भी कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ इन द शेड ट्वेंटी सेवन रिवाज यू के ये लिपस्टिक है अच्छा मैं लिपस्टिक ज़्यादा इसलिए नहीं लेती क्योंकि लिपस्टिक्स में ना मुझे लगता है कि ऐसे लगता है कि स्मेल हो जाती है और मतलब ये होता है कि लिपस्टिक आप जब यू लो तो आप उसे फटाफट यूज़ कर लो ना थोड़े से अरसे बाद ही क्योंकि इनकी जो है ना इनमें स्मेल होना शुरू हो जाती है इस वजह से आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ़ लिपस्टिक्स इस वजह से आपने मेरी पिछली वीडियो में भी ना बहुत सारे आपने लिप पेंसिल्स देखे होंगे तो ये ब्राउन सा न्यूडिस पिंक सा, सा न्यूडिस सा कलर है अच्छा उसके बाद जो है आई ब्राउ पेंसिल है एक साइड पे ब्लैक है और एक साइड पे ब्राउन है बहुत जो है ना ओजी पेंसिल है पहले जमाने में ये यूज हुआ करती थी जब आपको किसी फंक्शन वंक्शन में जाना हो तब तो आप ये यूज कर सकते हो अदरवाइज जो है ना आप ब्लैक कलर मतलब सॉरी ब्लैक कलर कह रही हूँ जो मैंने आपको ब्राउ पोमेड दिखाया है वो वाला बॉबी वो ब्राउन का इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउ पोमेड हैं तो आप यूज कर सकते हैं तो मैं तो यूज करती हूँ एंड दैट इज इट ये मेरा डेली मेकअप है एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी बिग थम्स अप अपना बहुत ख्याल रखिएगा रखियेगा